हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉबी विद स्वाति। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने लिविंग रूम का टूर देने वाली हूँ और किस तरह से मैंने बहुत ही इजी वे में अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है, इसका पूरा मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में डेकोरेट किया है मैंने, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए, शायद आपको भी कुछ आइडिया मिले। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस डोर, और जो पैसेज एरिया है वो बहुत ही स्मॉल है, तो आप कह सकते हैं कोई फॉयर एरिया नहीं है यहाँ पे। तो ये जो वॉल है इसको मैंने थोड़ा सा इस वे में डेकोरेट किया है। जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे DIY है, इसका भी वीडियो डला है चैनल पे। और यहाँ से अगर जो जहाँ हमारा मेन एंट्रेंस है वहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा लिविंग रूम कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी मैं एंट्रेंस डोर के पास खड़ी हूँ। यहाँ से जो लेफ्ट हैंड वाली वॉल है वहाँ हमने ये डेकोरेशन किया है, और जो राइट हैंड साइड वाली हमारी वॉल है यहाँ पे फुल लेंथ हमने वॉलपेपर लगवाया है। ये देखिए, पूरा लास्ट तक वॉलपेपर गया है ऐसा, ठीक। और जो हमारी वॉल है, सॉरी, जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर है उसके ऊपर भी हमने इसको प्लेस करवाया है वॉलपेपर को। जैसे ही हम एंटर होते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर हमने अपना की होल्डर हैंग किया है ताकि जैसे ही हम घर में एंटर हों कीज को हैंग कर सकें, और बाहर जाना हो तो हमें कीज ले जाना याद रहे। और लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल पे ही हमारा TV यूनिट बना हुआ है। तो एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट यूज़फुल थिंग सैनिटाइज़र रखा हुआ है। ये डिस्पेंसर भी मैंने DIY किया था जिसमें मैंने सैनिटाइज़र को फिल करके रखा है। तो अब हम आते हैं अपने TV यूनिट की तरफ। चलिए मैं आपको फुल व्यू दिखाती हूँ TV यूनिट का। ये है हमारी TV, इसके ऊपर ये बना हुआ है शोकेस रखने के लिए, एक यूनिट शोकेस काइंड ऑफ। और ये देखिए, सीलिंग से लेकर यहाँ तक ऐसा हमारा TV यूनिट बना हुआ है, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे ऊपर हमने एक ही रैक बनवाया है, इसके ऊपर हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। इसके बगल में आते हैं तो एक कैबिनेट ये है जिस पर लाइट्स लगी हैं, और एक कैबिनेट ये है उस पर भी लाइट लगी है, राइट। और पीछे पूरा यूनिट है, ये हमारी TV है, और इसके चारों तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट। अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे हमने कैबिनेट कैसा बनवाया है, नीचे हमने यहाँ पे दो ड्रॉर्स करवाए हैं, ऊपर एक शेल्फ है, कॉर्नर में एक छोटा सा एरिया डिज़ाइन करवाया है, और यहाँ पे हमने ग्लास को फिक्स करवाया है। और ये जो सीनरी रखी हुई है इसके पीछे हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, राइट। तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये लगा दिया है सीनरी, इसके सामने बुद्धा और छोटे मोटे डेकोरेटिव चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे टर्टल है जिसके अंदर मैंने लाइट इंसर्ट कर दिया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसके अंदर लाइट चल रही है। तो इस ये जो छोटा सा एरिया है इसे मैंने ग्रास लगा के, जो काइंड ऑफ यू नो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, काउ, टर्टल एंड ऑल, ऐसा मैंने यहाँ पे प्लेस किया है डोमेस्टिक एरिया। और ये यहाँ पे रखा हुआ है डिफ्यूज़र, और ये यहाँ पे रखा हुआ है एक मनी प्लांट। अब ये जो दो ड्रॉर हैं, इस ड्रॉर में हम लोग अपना यहाँ लिविंग एरिया से रिलेटेड मल्टीपर्पज़ चीज़ें, चार्जर एंड ऑल रखते हैं।
और ये इस साइड वाला जो ड्रॉर है, यहाँ पे टिया के टॉयज रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ हॉल में वो भी खेलती है तो उसके टॉयज यहीं पर रहते हैं। और यहाँ मैंने छोटा सा एक प्लांट प्लेस किया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देती हूँ टीवी यूनिट का, ताकि आपको समझ में आए। उधर टिया बैठी है ये ऐसा दिखता है। उस साइड हमारा किचन है, उसका टूर मैं आपको कभी बाद में दूंगी। और उधर जहाँ टिया बैठी वहाँ हमारा डाइनिंग एरिया है, ठीक है। अब इधर की वॉल इस साइड पे आते हैं अपन, तो यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है जिसपे टिया का टॉय है, बार चेयर है, इसको भी मैंने पेंट किया था। यहाँ हमारा दीवान सेट रखा, दीवान रखा हुआ है, जिसे ब्यूटीफुल पर्पल कलर के दीवान सेट से मैंने इसे कवर किया है। ये जो दीवान सेट आप देख रहे हैं, ये बेडशीट, ये लोड कवर, ये कुशन कवर, इसे मेरी मॉम ने बनाया था डबल बेड की चादर से, कट करके पूरा दीवान सेट बना दिया। और ये जो सेंटर में आप कुशन देख रहे हैं, इसे भी मेरी मॉम ने बनाया है, राइट। फिर हम बगल में आते हैं इसी के जस्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लांट एरिया बनाया है, एक पीढ़ा रख दिया है ताकि नीचे से क्लीनिंग भी इजी हो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें प्लेस करके उनके ऊपर जो इंडोर प्लांट है उसे प्लेस किया है। बहुत कुछ हाईटेक नहीं है, जो भी है सिंपल है। अब हमारा जो सोफ़ा है वो एल शेप सोफ़ा है, तो मैंने क्या किया है, जो कॉर्नर वाला है और एक सिंगल सेट है उसको निकाल के यहाँ प्लेस किया है ऐसा। और जो पूरा जो सोफ़ा है उसे हमने यहाँ प्लेस किया है, ठीक है। तो ये दिखाती, ये जस्ट टीवी यूनिट के अपोजिट वाला एरिया है, तो जहाँ कर्टन्स आप देख रहे हैं इसके पीछे हमारी बालकनी है। ये ऊपर एसी लगा है, यहाँ हमारे कर्टन्स हैं, दोनों साइड की वॉल इसे हमने ब्लू कलर में पेंट करवाया, और छोटे मोटे निक नक चीज़ों से हमने इसे डेकोरेट किया है। ये देखिए, ये इधर पे सब जयपुर के आइटम हैं। यहाँ हमारा मॉडम लगा है। चलते हैं इस साइड, देखिए ब्यूटीफुल सा प्लांट एक यहाँ भी प्लेस किया है मैंने, लेट मी शो यू। ऐसे इसके पीछे हमारा वाटर फाउंटेन रखा हुआ है, जिसमें प्यारे से भोले शंकर, पार्वती माता, गणपति जी और नंदी जी विराजमान हैं। माउंटेन से पानी बहता हुआ, पानी क्या, शंकर जी की जटाओं से गंगा जल बहता हुआ हिमालय से, इतना ब्यूटीफुल है ये, राइट। और यहाँ मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर प्लेस किया है। इस वाली वॉल पे मैंने जो कॉर्नर रैक बनाया था आपने देखा होगा, मैंने डीआईवाई किया है ये। इसके ऊपर हम लोगों ने सारी शील्ड रखी है, कुछ टिया की, कुछ मेरी, कुछ मेरे हस्बैंड की। फिर इस वॉल पे आते हैं, जो वॉलपेपर वाली वॉल है उसके जस्ट अपोजिट वाली वॉल है ये। तो ये जो रैक है इसे भी मैंने डीआईवाई किया था, तो जो थोड़ा बहुत वॉलपेपर बचा हुआ था उस पर मैंने स्टिक कर दिया, ताकि ये भी उसको कॉम्प्लीमेंट करे। और इस पर तीन शेल्फ लगाए और इसको ऐसा डेकोरेट किया है। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, नेक्स्ट डीआईवाई इसका आने वाला है। और एक स्टिकर लगा है। और यहाँ पे ये हमारा सोफ़ा प्लेस्ड है। इस तरह से रखने में क्या, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से बढ़ जाता है। तो वाइट कलर का सोफ़ा कवर डाला हुआ है मैंने, और इस पर कलरफुल कुशंस, राइट। तो ये जितने भी कलरफुल जो कुशन कवर आप देख रहे हैं, ये मेरी मॉम ने स्टिच किया है। मैंने जो ब्लाउज़ पीस आते हैं, ब्लाउज़ पीस को डिफरेंट कलर के परचेस करके उनसे स्टिच करवा लिया। लुकिंग सो ब्यूटिफुल, लाइक इट इज एडिंग कलर टू माई लिविंग रूम। फिर
फिर उधर हमारा डाइनिंग एरिया है और वो हमारा किचन है, वो बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे फिर हम टीवी यूनिट पे आ जाते हैं और बीच में रखा है हमारा सेंटर टेबल। तो सेंटर टेबल को भी मैंने सिंपल एक ट्रे को प्लेस किया है और बहुत ही सिंपल वे में सेंटर टेबल को डेकोरेट किया है। और इसके सेंटर टेबल के नीचे एक ट्रे रखी है, पोस्टर रखा है और जितने भी रिमोट्स हैं वो यहीं पे प्लेस्ड हैं इस तरह से। और ट्रे के ऊपर रखने से ये है कि जब भी हमें इसे ग्लास है तो क्लीन करना पड़ता है, जब भी हमें क्लीन करना हो डायरेक्टली हम इस ट्रे को यहाँ से हटा सकते हैं। और वॉलपेपर वाली जो वॉल है वहाँ पे एक सीनरी लगी हुई है राधा कृष्ण जी की, और उस वहाँ पे भी हमने जो जयपुर से हमने शॉपिंग की थी उन चीज़ों से डेकोरेट किया है, क्योंकि ये बहुत ही एथनिक लुक प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा जो वॉल है ये एक एथनिक वॉल क्रिएट कर रहा है। और अगर अब हम सीलिंग की तरफ चलें तो सीलिंग में लगा हुआ है इधर फैन, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इधर पूरा पीओपी किया हुआ है ऐसा। यहाँ पे फैन लगा है सेंटर में, जो सेंटर कट हुआ था उसी का मैंने वो जो वॉल शेल्फ है वो क्रिएट किया था। यहाँ साइड में लाइट्स लगी हुई है और उधर एसी। ये जो लाइट्स हैं इनका कलर चेंज भी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज वॉर्म वाइट, दिस इज डे लाइट एंड दिस इज नेचुरल लाइट। ऊपर वाली वॉल है वो मैंने आपको दिखा दिया, और इसी के जस्ट ऊपर ही ये जो हमारा पैसेज एरिया है यहीं पे हमारा वॉल लगा हुआ है। इसे हमने अमेजोन से परचेज किया था। तो बाकी डाइनिंग एरिया और किचन का मैं आपको बाद में करवाऊंगी, तो एक बार मैं आपको 360 डिग्री व्यू दे देती हूँ। ये हमारा टीवी यूनिट, वो हमारी एंट्री डोर, फिर एक वॉल ये है, यहाँ हमारा दीवान रखा हुआ है, ये हमने सोफा का कॉर्नर इधर रख दिया, इधर हमारी आती है बालकनी और इधर हमारा ये सोफा, ये है सेंटर टेबल। सो दैट्स इट, इतना ही है छोटा सा हमारा लिविंग एरिया। और ऐसे ही मैंने इसे सिंपल वे में डेकोरेट किया है कि आई होप आपको पसंद आया होगा। और बालकनी टूर भी मैं आपको करवाऊंगी, मैं आपको जैसे एक छोटा सा वो दे देती हूँ ओवरव्यू कि बालकनी जैसे यहाँ पे जो होता है, हमने ये बालकनी बिल्कुल यहाँ से सॉरी जो स्लाइडर गेट होता है वो रिमूव करवा दिया है। तो ये मैं आपको बताऊँगी कि क्या किया हम लोगों ने, इसे कैसे डेकोरेट किया है। राइट गाइज, दिस इज़ द वॉर्म वाइट लाइट व्यू ऑफ माई लिविंग रूम, ऐसा दिखाई देता है। कितना सूदिंग लगता है, सीरियसली आई लाइक इट अ लॉट, बहुत ही सूदिंग लगता है। और ये कल कल पानी की आवाज़ तो बहुत ही प्यारी लगती है। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और ये सब लाइट्स यहाँ जलते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है, आई एम लविंग इट। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा लिविंग रूम टूर पसंद आया होगा, और कुछ अगर इसमें मॉडिफिकेशन और हो सकता है तो प्लीज़ डू शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।